सो गाइस, काफ़ी दिनों से मैं पल्सर पे कोई अपडेट नहीं दे रहा क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं था, क्या अपडेट देता। लेकिन फाइनली जो है पल्सर 250F का अपडेट आया है। पल्सर 250F को जो है दोबारा से टेस्टिंग पे देखा गया है। ऑलमोस्ट जो इसकी टेस्टिंग फिनिश होने को है, लगभग जो है 15 to 20 days और इसकी टेस्टिंग चलेगी। उसके बाद जो इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है काफ़ी जल्द, मान के चलो गाइस अगस्त के लास्ट वीक तक जो है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा इंडियन मार्केट में पल्सर 250 के नेम से, पल्सर 250 या फिर जो है पल्सर 250F। तो आपको पता है 220F जो इनकी काफ़ी सक्सेसर रही है, मतलब काफ़ी अच्छी जो है सक्सेस मिली थी 220F को, और आज भी जो है वो लेजेंडरी है। तो उस वजह से जो है आई थिंक इसका नाम जो है 250F हो सकता है, बिकॉज हाफ फेयरिंग बाइक है। साइड से आप अच्छे से देख सकते हो, एक ही फोटो लीक हुई, ज़्यादा कुछ फोटोज लीक नहीं हुई है। ये फोटो जो है लीक हुई है मोटोरॉइड्स की तरफ से। सो यहाँ पे जो इस फोटो में आप इजिली देख सकते हो पल्सर 250F का पूरा डिज़ाइन। अभी तो कवर की गई तो अच्छे से आपको पता नहीं चलेगा कि पल्सर 250F जो है कैसी दिखती है। सो इस आपको बता दूँ सारी डिटेल्स के बारे में इस बाइक की। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस बाइक में जो है फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे जो कि आप इजीली फोटो में देख सकते हो। फ्रंट में आपको एलईडी हेडलाइट्स मिल जाएंगी, वो आपको रिफ्लेक्टर एलईडी हेडलाइट मिलेगी, ना कि प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट। तो यहाँ पर जो आपको एलईडी रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी इस बाइक में। उसके अलावा जिसका फ्रंट का लुक है वो थोड़ा सा आपकी पल्सर 200AS आती थी पहले, थोड़ा सा उससे इंस्पायर्ड होने वाला है, थोड़ी सी वैसी ये बाइक लग रही है साइड से भी फ्रंट से भी। तो आई थिंक ये 250F ही होगी, और होने को कुछ नहीं पता, 250AS भी हो सकती है, बट देखते हैं क्या नाम होता है, उसके ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है अभी। उसके अलावा जो है इस बाइक में और भी आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह, और जो नेविगेशन वगैरह फीचर आता है अपना, वो सारे फीचर जो आपको इस बाइक में देखने मिलेंगे। उसके अलावा इस बाइक में आपको फ्रंट में जो है हैंडल सेक्शन का टायर, रियर में जो है आपको 130 टू 140 सेक्शन टायर देखने को मिल जाएगा। ये बाइक जो है 250cc के इंजन के साथ में आएगी, जो कि ऑलमोस्ट आपको 29 BHP तक की पावर देने वाला है एंड 25 Nm तक की जो है आपको टॉर्क दे देगा। तो यहाँ पे जो है आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देगी ये बाइक। यहाँ पे जो है 250cc इंजन इसका डिफरेंट होने वाला है, कोई डोमिना 250 वाला नहीं होने वाला, तो थोड़ा सा डिफरेंट इंजन होगा। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा टॉर्क मिलेगा जिसकी वजह से आपको पिकअप वगैरह काफ़ी सही मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी नहीं लगेगी, 6-speed गेयरबॉक्स मिलेगा। यहाँ पे जो है इस आपको स्प्लिट सीट मिलेगी, रियर से जो है इसकी टेल लाइट वगैरह भी डिफरेंट है, रियर से पूरा लुक डिफरेंट है, एलईडी इंडिकेटर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे, साइड फेयरिंग भी डिफरेंट, तो सब कुछ जो है डिफरेंट है। फाइनली बात कर लेते हैं आप कि लॉन्च कब होगी और क्या प्राइस हो सकता है। लॉन्च ऑलरेडी मैंने जैसे कि बताया आपको अगस्त लास्ट वीक तक आपको देखने को मिल जाएगी, एंड जो प्राइस है उसके बारे में थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज 250 है इस कैटेगरी में, 250cc बाइक पहली आ रही है बजाज की, मतलब नेकेड में तो आई अपनी डोमिनार वगैरह जिसकी 1.60 कुछ प्राइस लॉन्च की थी उन्होंने स्टार्टिंग में, एंड इसकी जो प्राइस है गाइस वो हो सकती है लगभग आपकी 1.70 lakhs तक, बिकॉज फेयरिंग बाइक है, थोड़ी सी कॉस्टली हो सकती है, तो उस वजह से थोड़ी सी आपको ये कॉस्टली ही देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट जो 2 lakhs तक इसकी ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं जब लॉन्च होगी तो क्या प्राइस होती है। सो गाइस, आप इसके बाइक के लिए वेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। सो बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।